मेरठ के ट्रांसपोर्टर अंकुर त्यागी के बेयर हाउस में 7 सितंबर को मेरठ की एसओजी टीम पहुंची और हत्यारे की नोक पर 2 ट्रक उठा लिए गए। ये आरोप लगाया गया कि वो ट्रक चोरी के हैं और वो उन ट्रकों के कागजात वेरिफिकेशन के लिए ट्रकों को अपने साथ ले जा रहे हैं। जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहाँ पर ट्रकों को रखकर वो वेरिफिकेशन किया गया और शाम को करीब 5 घंटे के इंतज़ार के बाद ये कह दिया गया कि आप अपने ट्रक वापस ले जाइए। इस दौरान जो एसओजी प्रभारी हैं वो लगातार ये दबाव बनाते रहे कि किसी तरीके से इस पूरे मामले में जो वसूली है वो हो जाए, और उन्होंने अपनी बातचीत में ये बात स्वीकार भी की है कि उनका मनसा अच्छा नहीं था और इसीलिए वो ट्रक उठाकर यहाँ लाए गए। इस पूरे मामले में एसएसपी से कई दिन पहले शिकायत हुई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज अंकुर त्यागी मिले हैं एडीजी मेरठ से और उन्होंने पूरे मामले की शिकायत की है और ये भी कहा है कि मेरठ के एसएसपी ने इस पूरे मामले की जो जांच थी वो एसपी क्राइम को दे दी, जिनके अंडर में, जिनके नियंत्रण में, जिनके पर्यवेक्षण में एसओजी टीम आती है। ऐसा कैसे संभव है कि जिसके बॉस वो खुद हों वो अपनी टीम के खिलाफ क्या जांच रिपोर्ट देंगे। मेरे साथ अंकुर त्यागी मौजूद हैं, आप ये बताइए आज आपकी एडीजी साहब से बात हुई है, क्या कहा उन्होंने? एडीजी साहब ने यही कहा है कि क्या नाम है, इसमें जो भी जांच है वो की जाएगी। और मैंने भी ये बोला था उनसे कि क्या नाम है सर, ये 5 दिन से मुझे ये इधर उधर के चक्कर कटवा रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हो रही है, कॉलर पर कार्रवाई हो रही है। तो उस कॉलर पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके जब उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो मैं आज एडीजी साहब के पास गया हूँ। कॉलर पे कार्रवाई नहीं हुई, क्या एसओजी टीम के ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आपको क्या लगता है एसओजी की टीम ने क्यों ट्रक उठाए थे? वो तो कॉलर के अगेंस्ट कॉलर ने कॉल किया है कि क्या नाम है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, चोरी की गाड़ी हैं जिसमें कि चेसिस नंबर चेंज है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने वहाँ से गाड़ी उठाई है उन्होंने मुझे गाड़ी वापस कर दी थी, ये कह के वह गाड़ी वापस कर दी, इसमें कुछ भी नहीं है, आपकी गाड़ी ओके है। बातचीत में ये बात कहीं सामने आई कि उस मामले को अपने स्तर से निपटाना चाहते थे एसओजी प्रभारी? हाँ जी बिल्कुल, ये बातचीत सामने आई है कि अपने स्तर से वो क्या नाम है इस मामले को निपटाना चाह रहे थे। मैंने उनसे कहा भी था कि अगर इसमें कुछ हो भी जाता, अगर इसमें नंबर चेंज होता या कुछ होता तो उसके ऊपर तो मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज होगा। कह लगे हाँ जी उसमें भी बैठ के हम वार्तालाप कर लेंगे। एडीजी साहब से जो बात हुई है आपको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल उम्मीद है कि कानून पे पूरा विश्वास है, बिल्कुल मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर इससे भी ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। तो जो ट्रांसपोर्टर हैं शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ इस तरह की हरकत मेरठ पुलिस की एसओजी टीम ने की है, लेकिन इस बात का बड़ा मलाल खुद अंकुर त्यागी को है कि पिछले कई दिनों से वो लगातार भटक रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई दोषियों के खिलाफ। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।